देखिएगा आपको सिनर्जी हॉस्पिटल के अपोजिट, देखो फोटो लगी हुई है यहाँ पे, ये रियल है। एक्चुअली क्या होता है कि यार देखो बुरा मत मानना, मतलब रिलेट करना कि अगर आप अकेले हो हाईवे पे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी पे ट्रस्ट करना। ओके जी, तो पहुंच गए पंछी पेठा पे। अब वहाँ का जो अभी मतलब हुआ था लंच हुआ, उसके बाद एक जो काम था वो रह गया एक्चुअली। कोई बात नहीं, वो बाद में कर लेंगे, वो कॉल पे भी हो जाएगा, मेल के थ्रू भी हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फिलहाल आए हुए हैं सिकंदरा के पास है ये पंछी पेठा, तो यहाँ से पेठा ले लेते हैं घर के लिए और फिर अभी पकड़ते हैं फिर यमुना एक्सप्रेस वे। ये वाला जो है ये पंछी पेठा, ये वाला ये पीछे शॉप का काफ़ी ऑप्शन है अपने पास यहाँ पर। मैंने अभी ट्राई लिया है और एक नॉर्मल पेठा लिया, आधा आधा किलो लिया, मोर देन सफिशियंट है अपना आधा किलो लिया, मैंने काम कर जाएगा। और ये वाली शॉप है देखो सामने, देखिएगा आपको सिनर्जी हॉस्पिटल उसके जब अपोजिट, और ये एक्चुअल में पोजिशन नहीं है, देखो फोटो लगी हुई है यहाँ पर, ये रियल है। तो ये ले लिया हमने अंगूरी पेठा, प्लेन पेठा, और ये रहा आपका बिल, तो इसमें GST वीएसटी सब काट के देगा, बढ़िया है। ठीक है ले लिया, आप फटाफट यहाँ से चलते हैं, अभी मौसम भी एक्चुअली ख़राब होगा, थोड़ी बारिश वारिश होगी थी। और अब यहाँ से क्या करना है, अपने को पकड़ना है एक्सप्रेस वे, हाँ ताज एक्सप्रेस वे। तो अभी आते हुए तो फरीदाबाद वाला रूट लिया, अब जाएंगे एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे से। ओके जी, तो एक बार और पेट्रोल करवा लेते हैं, अभी एक्चुअली 26 की एवरेज आई है इस बार जो आई है, जो कैलकुलेट करिए अभी तक जो था हाफ टैंक हो चुका है, हाफ टैंक में जो अभी तक मैंने कैलकुलेट किया था वो आई 26 की एवरेज, और अब जो एक बार फिर से मैं सोच रहा हूँ 1010 का डलवा दूँ अब। तो ये हो गया अपना नॉर्मल, यहाँ 96-38 का रेट है। ओके जी, तो चढ़ गए हैं अभी यमुना एक्सप्रेस वे, और अभी यहीं से एंट्री भी ली है बस यहीं से, अब कर लेते शीशे वीशे साफ़। एक्चुअली साइड वाले शीशे थोड़े से ना गंदे हो गए बारिश की वजह से, तो इसको साफ़ कर लेते हैं, तो साइड वाले शीशे भी साफ़ कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। एक ये हेडलाइट ज़रूर साफ़ कर लें, कभी कभी इस पर डस्ट हो जाती है, और ये फॉग लैम्प ज़रूर साफ़ कर लें, और फिर से साथ में ये भी साफ़ कर लें, और ये भी साफ़ कर लो, और ये, और ये, ताकि व्यू अच्छा मिले, और हो सके तो पीछे वाला शीशा भी साफ कर लो, और इसे सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। ठीक है जी, चलो फिर चलते हैं अब यहाँ से नॉन स्टॉप, तो ढाई मतलब 2 घंटे 50 मिनट दिखा रहा है। और एक बार ट्राई प्रेशर वगैरह भी चेक कर लो ऐसे नॉर्मली हाथ से, आप कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, चलो बाबा जी कृपा बनाए रखना। यार पीछे एक भैया ने एक्चुअली अभी मांग रहे थे लिफ्ट, क्यों अपना क्या होता है सामान यार सारा फैला रहता है गाड़ी में, ये देखो पीछे भी अभी देखो फैला हुआ है, ये भी फैला हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि यार देखो बुरा मत मानना, मतलब रिलेट करना कि अगर आप अकेले हो हाईवे पे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी पर ट्रस्ट करना कि यार ऐसे किसी को बिठाएं गाड़ी में आपको, ठीक है 40-50 किलोमीटर ही जाना है आपको ठीक है, पर जैसे और 2-4 लोग होते मेरे साथ गाड़ी में, एक की जगह होती तो हम बैठा लेते कि चलो ठीक है और भी लोग हैं हमारे साथ, अकेले थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो यार मैंने कहा कि हाथ जोड़ के मैंने उनसे कहा भैया सॉरी मैं थोड़ा सा व्लॉगिंग करता हूँ और आपको दिक्कत ना हो जाए कहीं, तो बहुत अच्छे थे कि उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, तो उन्होंने किसी और से लिफ्ट ले लेंगे, उम्मीद है उन्हें मिल भी गई होगी लिफ्ट, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है इंसिडेंट्स, क्योंकि जब भी लास्ट टाइम भी मैं आया था एक बार कुछ दिन पहले, तो यहाँ जब एक्सप्रेस वे पर एंटर करा था तो लोग हाथ दे रहे थे, बट अकेले होने की वजह से मैंने थोड़ा अवॉइड करा इस चीज़ को। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अब हमारा ETA दिखा रहा है रात को 9-9:30 तक पहुँचेंगे। हमने लाइट जला के आप फेस वॉश वगैरह कर लिया थोड़ा सा, और एक स्ट्रेचिंग ब्रेक भी हो गया, अंधेरा हो गया काफ़ी ज़्यादा। फिलहाल जो है वो 60 से 80 के बीच में क्रूज़ कर रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, एवरेज भी निकल रही है और सही है अपना, स्लो स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लास्ट 2 टोल क्रॉस कर चुके हैं और अभी 1 टोल और बचा है जेवर वाला। तो जो अकेले वाली जब सिचुएशन आपकी होती है ना, तो सबसे पहला काम जब आप गाड़ी में बैठते हो अकेले होते हो तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लो। सीट बेल्ट क्यों लगा लो बताता हूँ, एक सेकेंड। सीट बेल्ट इसे लगा लो कि अचानक से बाई चांस
कोई नशे में चला रहा हो या कुछ चला रहा हो, अगर बाई चांस उसने पीछे से हिट कर दिया तो एटलीस्ट एयर बैग आपके खुल जाएंगे, क्योंकि जैसे सीट बेल्ट अगर नहीं पहनी हुई तो एयर बैग कभी नहीं खुलते, पता ही होगा आपको। और दूसरी चीज़ की गाड़ी ना लॉक करना है सबसे पहले, यहाँ से ये लॉक करें, तो अभी गाड़ी लॉक हो चुकी है। उसके बाद जो भी आपको काम करना है गाड़ी के अंदर वो करें, मतलब आपको जैसे अब एकदम से बैठते ही नहीं निकलना, कुछ देखना है, फ़ोन देखना है, कुछ देखना है, तो आराम से आप करें, गाड़ी लॉक कर ले, सीट बेल्ट जरूर लगा ले। चलो फिर चल रहे हैं, ये अभी हाईवे अपना बहुत प्यारा सा, और भी 1 घंटे 50 मिनट बचे बस, चलो पहुँच रहे हैं, फिर घर पहुँच के मिलते हैं आपसे। ओके जी, तो फाइनली पहुँच गए घर, 100 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं बचा है, तो अब पहुँच गए, और एवरेज हमारी आई देखो 27 अप्रॉक्सीमेटली। तो उम्मीद है ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाना, और कमेंट में अपने थॉट्स बताना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर देना, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में सिर्फ साह और उमंग के साथ, तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।